झारखंड जगुआर पुलिस चालक अरविंद कुमार की बीती रात सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। आपको बताते चले कि बीती रात अरविंद कुमार धनबाद आ रहे थे, कुटकी के पास उनका वाहन संतुलन खो बैठा, गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई। इसी घटना में वो गंभीर रूप से घायल हुए। आनंद फानंद में उन्हें PMCH में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दरमियान उनकी मौत हो गई। मंगलवार को उनका पार्थिव शरीर पुलिस लाइन लाया गया। पुलिस कर्मियों ने यहां उन्हें शोक सलामी दी। इसके पश्चात उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गाँव जहानाबाद भेज दिया गया। बर्फ के लिए ना, बर्फ है वहाँ ऊपर गाड़ी में चढ़ेगा तभी लोड होगा। बर्फ कहाँ फोन किया? आज नहीं फोन किए, सबसे पहले पूछिए ना। इन्हीं के फोन पर तो आए 5 मिनट। हाँ दुख क्या हुआ था, आपको कैसे सूचना मिला है? रात में 11:30 बजे करीब हम लोग को सूचना मिला सर फोन के द्वारा। जैसे ही पता चला हम लोग चले आए। क्या भाई हैं? रिश्ते में क्या लगता है? चचेरा भाई। चचेरा भाई हैं जी। कहाँ रहते हैं जी? जहानाबाद। जहानाबाद जी। तो अभी आप लोग जहानाबाद ले जा रहे हैं? जी हाँ। दाह संस्कार? दाह संस्कार तो जी पटना में करेंगे। पटना में करेंगे जी। क्या नाम है आपका? जी रविंद्र शर्मा। हाँ रविंद्र शर्मा। जे जे जगवार के चालक आरक्षी अरविंद कुमार जी चालक के रूप में गाड़ी चला के आ रहे थे। गाड़ी का संतुलन खो जाने से एकाएक गाड़ी के ब्रेकर में धक्का लगने से इंजर्ड हो गए थे। उनको तत्काल इलाज के लिए PMC धनबाद लाया गया था। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु उपरांत उनको पुलिस केंद्र धनबाद में विदाई समा मतलब क्या बोलते हैं दाह संस्कार के रूप में इनको शोक सलामी दी गई। हमारे मौजूद पुलिस अधीक्षक महोदय की उपस्थिति में उनका पैतृक जिला जहानाबाद भेजा गया। अपना परिचय देते सर। मेरा नाम कमलेश कुमार अभी झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन।